पंजाब के एक कुख्यात बदमाश के पकड़े जाने के बाद रविवार रात जयपुर पंजाब FSL टीम ने मकान पर सर्च किया, जहां पुलिस को कई सबूत मिले। जानकारी के अनुसार पुलिस ने बताया कि मकान मालिक बाबूलाल योगी के बेटे शोजीराम ने बताया कि वांटेड शनिवार रात को यहां ठहरा था। रविवार सुबह नीचे दुकान पर चाय पीने के लिए उतरा, इसके बाद उसने ऑनलाइन खाना मंगवाया। दोपहर करीब 2:30 बजे वह दुकान के सामने बैठा था, तभी 8-10 गाड़ियों में 40 से अधिक बंदूकधारी कमांडो पहुंचे। वे फटाफट वाहनों से उतरे और आसपास के घरों को घेर लिया। कुछ समझ न पाता उससे पहले चिल्लाते हुए सबको घर में वह दुकान में घुस जाने के लिए कहा। पलभर में कुछ कमांडो पहली मंजिल पर पहुंच गए, आरोपी भी दुकान में घुस गया था। बाद में धमाकों की आवाज आई। योगी ने कहा कि पहली बार ऐसा देखा, अब भी घबरा रहा हूं। ऑपरेशन के बाद क्षेत्र में दहशत फैल रही है। आरोपी राजज्ञान विहार कॉलोनी में बाबूलाल योगी के मकान में ठहरा था। यहां बाबूलाल योगी के 2 मकान हैं। एक मकान में वे खुद परिवार के साथ रहते हैं, दूसरे मकान में भूतल पर 2 दुकान खोल रखी हैं और पहली मंजिल पर कुछ छात्रों को कमरे किराए पर दे रखे हैं। हनुमानगढ़ के नोहर निवासी एक नाबालिग सहित 2 भाइयों ने 10 नवंबर को कमरा किराए से लिया था। दोनों ने 5,000 रुपए प्रति माह में किराया तय किया और 4,000 रुपए दे दिए, लेकिन आधार कार्ड में आगे का हिस्सा ही व्हाट्सएप किया, आधार कार्ड के पीछे का हिस्सा मांगने पर भी नहीं दिया।